साथ में अपने जो मेरा ब्लॉग हुआ था पिछले ब्लॉग्स बर्थडे वाला ब्लॉग, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे विशेष किए होंगे मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा ही मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत अच्छे अच्छे थे तो फिर मुझे उसको पढ़ के ना मुझे सुकून आ गया, तो थैंक यू सो मच। मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी तो मुझे कॉल आई कि भाई आपके लिए एक सरप्राइज़ है, तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैं गई तो मेरे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मतलब मेरे कुछ जाने वाले फ्रेंड्स बहुत अच्छे, तो उन्होंने मेरे लिए बर्थडे सरप्राइज़ किया था। तो जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने वो सब देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मेरी जो मैंने बर्थडे जो सेलिब्रेट की वो इस दफ़ा ये तीसरी दफ़ा, एक और व्लॉग आएगा वो करते हुए बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा जो है मोमेंट वो इनके साथ, मतलब मेरे जो जानने वाले हैं उनके साथ मैंने बर्थडे सेलिब्रेट की, तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि यार बस मेरे मतलब एक खुशी थी, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा बट ऐसा हो गया। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये केक मैं खिला रही हूँ भाई, केक भी कट करके, लेकिन केक में नाम लिखा होता है वो केक ख़राब हो गया था क्यों झटके झटके लगने से, बट केक का जो टेस्ट है ना वो भाई आला था, आला बहुत ही आला केक था। और सब ने खाया केक, बहुत मज़ा था। और वो चॉकलेट केक, यू नो लड़कियों को चॉकलेट केक कितना पसंद है, और उनमें से जी भाई एक मैं भी हूँ जो कि चॉकलेट लवर, और चॉकलेट केक मोस्ट फेवरेट मेरा केक है। सो भाई इनका मैं शुक्रिया अदा कर रही थी। भाई बहुत ज़्यादा शोर था तो मैंने कहा भाई ये बैकग्राउंड जो आवाज़ें चल रही वो बंद कर देती हूँ, तो इसके बाद ये सब। इसके बाद जी लड़की और मेहंदी ना हो, नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लड़कियों को मेहंदी बहुत पसंद है, उनमें से जी मैं भी एक हूँ। तो यहाँ पे एक मेरी फ्रेंड है, उसने कहा मेहंदी लगानी, मैंने कहा ऑब्वियसली ये भी कोई पूछने वाली बात है, तो मैंने कहा चलो भाई अब तो बर्थडे सेलिब्रेट हो गई, बर्थडे के बाद हमने कहा चलो मेहंदी शेहंदी लगाते हैं। तो मेहंदी लगाई, मुझे मेहंदी का जो कलर है, मेहंदी का डिज़ाइन है वो भाई आला है, भाई एकदम आला। देखें जी भाई लड़की का पोस्ट चेक करें। और मुझे ये मिला था जी गिफ्ट, एक बर्थडे सरप्राइज था जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने उनके साथ अब तक बर्थडे आज मतलब मैं तीसरी दफ़ा सेलिब्रेट की, लेकिन ये जो था इनके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही मतलब मेरे दिन के हसीन लम्हात में से एक ये लम्हा मेरे लिए है जो कि मैं हमेशा याद रखूँगी। तो इसके साथ ही मैं आ गई हूँ यूनिवर्सिटी, क्लास थी लेकिन क्लास तो 3 बजे थी, लेकिन मैं तो पहुँच गई 4 बजे, क्योंकि ये लगती है तो उससे ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा। अभी देखते हैं क्लास में जाके, क्योंकि मैम ने कहा था कि क्लास के बाद अगर आप 15 मिनट लेट आ गए तो अटेंडेंस होगी, अदरवाइज नहीं। तो आप आज तो बारिश हो रही थी तो मैम को बोल दूँगी मैम बारिश हो रही थी तो नहीं, आप देखते हैं कि मैम का क्या रिएक्शन होता है, तो क्लास के बाद मिलते हैं। इसके साथ जी ये हो रही है बारिश, बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, ये आप लोग देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और ये बारिश वो मेरी दोनों दोस्तें जा रही है एक ही छात्रा के नीचे, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती बारिश ने क्या क्या कर दिया है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हमारी क्लास थी मतलब आई तो मैं लेट थी, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही कि मैं क्यों आई हूँ, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मैं पूरी तरह भीग चुकी हूँ, एक छतरी का सहारा लेकर मैं चल रही हूँ। चलना भी ज़रूरी है क्योंकि हमने सबमिट करवानी है हमारी असाइनमेंट, सो बहुत तेज़ बारिश में हम लोग चल रहे हैं, तो इट्स ऑल यूनी लाइफ, सो ऐसा चलता रहता है, तो चले जी चलते हैं। क्लास के बाद हम लोग यहाँ पे कर रहे थे कुछ रील्स वगैरह बना रहे थे, क्योंकि भाई बारिश हो रही तो बारिश में इसका ज़रा अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया जाए, तो हम लोग यहाँ पे एक रील्स बना रहे थे। तो भाई उस रील्स का ये बिहाइंड द सीन है कि अभी इसको मैंने कट कट के वो इंस्टा पे वीडियो अपलोड किए, बट इसका जो बैक था वही था। उसके बाद बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और इसके साथ यही सब कुछ चल रहा था बारिश में।